एवरीवन, आई एम आदित्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। तो यार आज हम कवर करने वाले हैं 40 ऐसे टॉपिक जिस पे आप अपने कॉलेज में सेमिनार दे सकते हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये टेक्निकल टॉपिक है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक है जिसपे सीएसआईटी के बच्चे इजिली सेमिनार दे सकते हैं और ये काफी ज्यादा सिंपल और काफी अच्छे अच्छे टॉपिक है। तो आइए यार सबसे पहले हम देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एआई एंड एनवायरमेंट, देन उसके बाद है सॉफ्टवेयर इन स्पेस, नैनो रोबोटिक्स, देन यार उसके बाद आप दे सकते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी, AI पे आप अपना सेमिनार दे सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी पे आप सेमिनार दे सकते हैं, मशीन लर्निंग हो गया, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, स्क्रीनलेस डिस्प्ले हो गया, ये काफी नई टॉपिक है, ठीक है, इस पे अपना सेमिनार बना सकते हैं, जैसे वेब स्क्रैपिंग हुआ इस पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है, इस पे आप सेमिनार दे सकते हैं, पाइथन का यूज करके आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, ठीक है, NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन पे आप अपना सेमिनार बना सकते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होती, ठीक है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या होता, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता, तो ये भी काफी प्यारा सा टॉपिक है। फॉग कंप्यूटिंग क्या होती है इस पे भी आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होती है इस पे आप अपना सेमिनार बना सकते हैं, डेव ऑप्स हो गया, ठीक है, तो UPI हो गया, तो आप जैसा कि आप बहुत ज्यादा नाम सुने होंगे UPI का, ठीक है, तो UPI पे अपना सेमिनार दे सकते हैं, काफी यूनिक ये टॉपिक है। तो यार अपना सेमिनार आप ब्लॉकचेन पे भी दे सकते हैं जो कि काफी ज्यादा यूनिक टॉपिक है, ठीक है, और जो बहुत ज्यादा नई भी टेक्नोलॉजी है, या आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे आप अपना सेमिनार दे सकते हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो, आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक आपका पूरा यूनिट होगा, ठीक है, तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, उस पर आप अपना सेमिनार दे सकते हैं। उसके बाद यार सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जैसे गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट है, ठीक है, तो कौन सी वेबसाइट कैसे ऊपर पहुंचानी है उस पर आप अपना सेमिनार दे सकते हैं। फिर यार वाईफाई पे आप सेमिनार दे सकते हैं। देन उसके बाद यार हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक ब्लू ब्रेन क्या होता है, ये भी काफी यूनिक एक टॉपिक है, इस पे आप अपना सेमिनार दे सकते हैं, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे दे सकते हैं। फिर डाटा माइनिंग क्या होता है इस पे आप अपना सेमिनार दे सकते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे अपना सेमिनार दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर साइंस और IT वाले बच्चों के लिए एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसका समरी बना के आप अपना सेमिनार काफी अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है, और आपका आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, ठीक है, आपको फिर से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आप अपना सेमिनार या DNA कंप्यूटिंग पे दे सकते हैं। तो यार हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल हैकिंग, तो आप इस पे अपना सेमिनार दे सकते हैं, गाईफाई टेक्नोलॉजी क्या होती है इस पे आप अपना सेमिनार दे सकते हैं, ठीक है, ग्रीन कंप्यूटिंग पे आप दे सकते हैं, ये भी काफी प्यारा सा टॉपिक है। फॉग कंप्यूटिंग क्या होता है ये भी काफी यूनिक टॉपिक है, इस पे आप अपना सेमिनार दे सकते हैं, होलो पे आप अपना सेमिनार दे सकते हैं, होलोग्राफिक डाटा स्टोरेज क्या होता है ये भी काफी यूनिक है, तो इस पे आप अपना सेमिनार दे सकते हैं। ह्यूमन एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, हाईफाई टेक्नोलॉजी क्या होती है इस पे आप अपना सेमिनार दे सकते हैं, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है आपके लिए। सिल्वर लाइट पे आप अपना सेमिनार दे सकते हैं, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो यार इसमें काफी छोटी छोटी चीजों के बारे में हम बातें करते हैं, ठीक है, नैनो लेवल की हम बातें करते हैं, इस पे आप अपना सेमिनार दे सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं, आप एक अपना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है इसके ऊपर आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे यार ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होती है, एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडो भी है, लिनक्स भी है, ठीक है, लेकिन यार जो डेवलपर होते हैं वो सबसे ज्यादा लिनक्स यूज करते हैं, तो आप इसके ऊपर दे सकते हैं, ठीक है, लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है लिनक्स में, तो आप इस पे अपना सेमिनार दे सकते हैं। फिर XMax टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके ऊपर आप अपना सेमिनार दे सकते हैं। फिर गूगल ऐप इंजन के ऊपर आप अपना सेमिनार दे सकते हैं। तो यार ये था हमारा 40 बेस्ट प्रेजेंटेशन टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।